Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will discuss the second part of the chapter Internal Structure of the Earth. Last day we have discussed up to the crustal layer. Now today we will discuss from mantle or mesosphere. Okay, if you have not watched the first video, then you can go to the description section and links will be given there. You can check from देयर. ओके, सो आज हम लोग मैंटल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो मैंटल और मेसोस्फियर, दिस इज द सेकेंड लेयर. ओके, इट इज द सेकेंड लेयर दैट लाइज जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अगर ये अर्थ क्रस्ट है, इफ इट इज अर्थ क्रस्ट, देन जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट दिस ऑरेंज कलर सेक्शन, इट इज मैंटल और मेसोस्फियर. ओके, सो इट्स एवरेज थिकनेस इज नियर अबाउट 2840 किलोमीटर. 2840 थिकनेस. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट थिकनेस के बारे में बोल रहे हैं कि इसका थिकनेस कितना है. 2840 किलोमीटर. एंड व्हाट वाज द थिकनेस ऑफ क्रस्ट? क्रस्ट का थिकनेस क्या था? 17 किलोमीटर. वेन एवर यू विल लर्न, यू हैव टू कंपेयर. जब तुम लोग लर्न करोगे, सपोज यू आर लर्निंग अबाउट एस्थेनोस्फियर और अबाउट कोर, यू हैव टू कंपेयर विथ मैन क्रस्ट, यू हैव टू कंपेयर विथ कोर. इफ यू विल लर्न बाई कंपेयरिंग, देन इट विल बी ईजी टू रिमेंबर. द डेंसिटी ऑफ मैंटल लाइज बिटवीन 3 grams per cm³ टू 5 grams per cm³. सो इसका डेंसिटी लिटिल बिट ज़्यादा है किससे ना, क्रस्ट. क्रस्ट का डेंसिटी कितना था? अगर शियाल के बारे में बात करें, शियाल का डेंसिटी था 2.7 एंड शीमा वाज 3.0. सो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, मैंटल का जो डेंसिटी है, इट रेंजेस बिटवीन 3.0 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो एंड इट्स, ये जो मैंटल है, ये दिस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन. ये दो लेयर से मेनली ये कंसिस्ट है. सो दिस इज अबाउट एस्थेनोस्फीयर. अगर हम लोग एस्थेनोस्फीयर को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो क्या देख सकते हैं, दिस इज क्रस्ट. ओके, दिस इज क्रस्ट. सो क्रस्ट के ठीक नीचे ही हम लोग का ये मैंटल है. ठीक है, ये मैंटल जो लेयर है, दिस एंड बिटवीन दिस टू जंक्शनल लेयर, मेन टू लेयर, देयर इज अनादर डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी. समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, अब लास्ट डे मैं तुम लोगों को बोली थी कि अगर दो डिफरेंट लेयर हो तो उसके बीच में ऑब्वियसली देयर मस्ट बी एग्जिस्टेड एनी डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि दोनों जो लेयर हैं उसका प्रॉपर्टी अलग है एंड द फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज टू डिफरेंशिएट दिस टू लेयर. ओके, सो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर ईच एंड इंडिविजुअल लेयर जब चेंज होगा, सबके मिडल में एक एक करके डिसकंटिन्यूटी होगा. ठीक है, सो ये क्रस्ट है मेन लेयर, एस्थेनोस्फीयर इज द मेन लेयर. सो इट इज लोकेटेड हियर, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी. द फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी वॉज बिटवीन शियाल एंड शीमा. द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी वॉज, आई थिंक यू शुड नो दैट, कॉन्राडो डिसकंटिन्यूटी. ओके, दैट इज द सेकेंड डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी. ओके, नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिटेल अबाउट एस्थेनोस्फीयर. एस्थेनोस्फीयर को हम लोग दो, सॉरी मैंटल को हम लोग दो लेयर में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द अपर लेयर. अपर लेयर इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर. दिस इज द लोअर लेयर. लोअर लेयर इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फीयर और मैंटल. दिस इज द लोअर लेयर. ओके, एंड बिटवीन दिस अपर एंड द लोअर लेयर देयर इज अगेन अनादर डिसकंटिन्यूटी. द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इज रैपिड डिसकंटिन्यूटी. दिस इज द डिसकंटिन्यूटी नंबर 3. ओके, डिसकंटिन्यूटी नंबर 3 बिटवीन एस्थेनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर. लोअर लेयर इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फीयर. सो दिस इज रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी. ये जो एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पर सब कुछ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन सेमी लिक्विड स्टेट, लाइक जेली. जेली हम लोग सब देखे हैं, जेली की तरह. इट इज नॉट प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड. सो इट इज लोकेट, इट्स एवरी थिंग इज इन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेमी लिक्विड स्टेट ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. ओके, एंड इन लोअर लेयर
लोअर लेयर में और लोअर मेंटल और एस्थेनोस्फीयर मेसोस्फीयर यहाँ पर सब कुछ इज इन सॉलिड फॉर्म ड्यू टू हाई प्रेशर. हाई प्रेशर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द अपवर्ड सेक्शन. हाई प्रेशर्स आर कमिंग सो हाई फ्रॉम ड्यू टू हाई प्रेशर इफ एंड एवरीथिंग इज इन सॉलिड फॉर्म. ओके एंड टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टोटल टेम्परेचर कितना हो सकता है? टेम्परेचर इफ आई विल टॉक अबाउट एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर में टेम्परेचर कितना हो सकता है? नियर अबाउट 850 डिग्री सेल्सियस. ओके एंड सॉरी एस्थेनोस्फीयर दिस इज 850 डिग्री सेल्सियस. ओके एंड इन केस ऑफ लोअर मेंटल और मेसोस्फीयर इट विल बी मोर देन 2208 डिग्री सेल्सियस. आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर सो इट विल बी इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. ओके सो दिस इज अबाउट मेंटल और मेसोस्फीयर एंड मेंटल मेनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एंड आयरन के द्वारा मेनली ये है Mg एंड Fe. ओके Mg प्लस Fe ये दोनों से ही जो मेंटल है इसका मेन कॉम्पोजिशन यही है. और क्रास्ट का मेन कॉम्पोजिशन क्या था? Si प्लस O2 सिलिकेट प्लस ऑक्सीजन. सो और यहाँ पर मेन कॉम्पोजिशन क्या है? मेन कॉम्पोजिशन है मैग्नीशियम एंड आयरन. आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू एवरी वन. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, यू कैन सी बिटवीन मैंटल दिस इज कोर. ओके दिस इज द कोर, कोर एंड दिस इज मैंटल. यू नो दैट कोर एंड मैंटल अनदर डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी नंबर 4, दिस इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. ओके गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. So this is the discontinuity number 4. The first one Conrado, second one Mohorovic or Moho, third one Repetti, fourth one Gutenberg discontinuity, that separate mantle from core. I think up to this clear to everyone. Next is core. Core is also known as barysphere. Okay, core is also known as barysphere. Its density, if I will compare, this is again it's more dense. 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड द कोर कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड निकेल. इसका मेन जो कंपोजिशन क्या है? आयरन एंड निकेल. समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक नीफे. ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड नीफे बिकॉज Ni मीन्स निकेल एंड Fe मीन्स आयरन. इट इज इट्स एस्टिमेटेड टेम्परेचर ऑफ कोर इज मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस. ट्राई टू इमेजिन 5000. इन केस ऑफ मेंटल इट वॉज I have told you just now 2208, but in case of barysphere or core, this is 5000 degree Celsius. Okay, core can be divided into two part: outer core, inner core. Okay, outer core and inner core. You can see this is the last discontinuity, Lehman discontinuity, that is located between outer and inner core. ये जो बाहर का जो core का जो दो portion है, outer core and inner core. ये दोनों कोर को सेपर, इसका दोनों का कॉम्पोजिशन लिटिल बिट अलग है क्योंकि ये जो आउटर कोर है ये पूरा सॉलिड नहीं है, बट ये जो इनर कोर है ये पूरा सॉलिड है. ठीक है, तो ये जो दोनों कॉम्पोजिशन दोनों का अलग है, स्टेट अलग है, तो इसलिए दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? न लेहमन डिसकंटिन्यूटी दैट सेपरेट आउटर कोर फ्रॉम इनर कोर. ओके टेम्परेचर भी अलग अलग है, दोनों जो कोर है ये दोनों का टेम्परेचर भी अलग अलग सेपरेट है. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट डिसकंटिन्यूटी यू हैव टू लर्न. ओके सो कोर का और भी कुछ प्रॉपर्टी है. यहाँ पर सब कुछ क्या है? ये जो कोर है मिडिल का जो इनर कोर है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इज इट गेट्स ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. फॉर दिस रीजन द कोर ऑफ द अर्थ और द सेंटर ऑफ द अर्थ is known as magnetic field. इसलिए हम लोग को magnetic field भी कहते हैं. ठीक है, इसका टेम जो यहाँ पर जो huge pressure and temperature के लिए यहाँ पर electric current और electricity यहाँ पर generate होता है, that's why it is known as the magnetic field of the earth. ठीक है, so core यहाँ पर सब कुछ भी liquid form में नहीं रह सकता है. ठीक है, इसका temperature बहुत ज़्यादा है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेप जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. सो हियर इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू गिव यू लिटिल बिट कंसेप्ट अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ मुझे लगता है कि सबके लिए ये अब नाउ ये क्लियर है
इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम देयर. आई थिंक योर कंसेप्ट इज नाउ क्लियर एंड थैंक यू एवरीबॉडी एंड प्लीज स्टे विथ अस. सब्सक्राइब आवर चैनल. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक दिस एंड शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल फॉर यू. टिल देन बाय.